निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और NEET की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। अभिवादन स्वीकार कीजिए शमीम जराजपुरी का। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ यूपी के जिला आजमगढ़ के मोहम्मदपुर में। मार एग्रो के नाम से ये हाउस है। कलीम साहब जो इसके मालिक हैं, एक सम्मानित परिवार से उनका ताल्लुक है। हमारे साथ खबरों नजर चैनल से बातचीत करने के लिए मौजूद है मौलाना फरहान साहब। मौलाना साहब, अपना पूरा नाम बताइए और आपकी मसरूफियत क्या है और क्या कर रहे हैं इस वक्त आप? माशाल्लाह, हमारा नाम सदर आलम जो है, और हमारी मसरूफियत इस समय जो है, हम जो काम करते हैं, हमारा जो काम है इस समय लैंडस्केपिंग, मतलब गार्डन का, जो गार्डन का बंगले के अंदर या होटल हो गए, ठीक है, और एयरपोर्ट का भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ काम हमने अभी मंदूरी का भी कुछ था उसमें हमने किया था काम, इस तरीके से हमारा लैंडस्केपिंग का काम है। और प्लस स्विमिंग पूल हो गए, बड़े स्विमिंग पूल और जो फाउंटेन हो गए, ये सब हमारी काम हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के फजल व करम से, और इस इलाके में बनारस से लेकर के आजमगढ़ इस इलाके में अल्लाह के फजल व करम से और चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और अंजाम दे रहे हैं काम को। आप रहने वाले का? हमारा मकान जो है लालगंज ग्राम खनेरा मकान है हमारा। आपकी जो साइट है कहाँ कहाँ चल रही है, कहाँ कहाँ आप जो काम कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ठीक आपको चल रहा है? माशाल्लाह, अभी तो जैसे हमारा काम तो सबसे फर्स्ट काम तो हमने एनोराम किया था डॉक्टर जहीर साहब का, इसके बाद हमने काम हाजी सराज साहब का किया था, प्लस इसके बाद सोनू सिंह ब्लॉक प्रमुख साहब का है, तारिक आजम साहब का है, और बाकी कलीम साहब का भी हमने काम किया है, बाकी बनारस के अंदर भी बहुत सारे हमने काम किया है जो है। और इस समय प्रेजेंट टाइम हमारा दो जगह काम चल रहा है, जो बड़ा काम चल रहा है एक आजमगढ़ में चल रहा है प्रदीप सिंह का, और एक अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस समय वेलकम जो होटल है आजमगढ़ में, उनका एक दूसरा होटल खुल रहा है जो है कालिका हवेली के सामने, उनका बड़ा प्रोजेक्ट चला अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें हमारा काम हम कर रहे हैं। इसमें हमारा काम में लैंडस्केपिंग का बड़ा काम हो रहा है, और प्लस स्विमिंग पूल भी उसके अंदर है छोटे से, और बाकी फाउंटेन काम हो रहे हैं। और एक काम हमारा जो प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है वो काम ताबरपुर में चल रहा है, एक राय साहब है उनका मैरिज हॉल का काम चला अल्हम्दुलिल्लाह। तीन जगहों पर अभी काम, बड़े जो काम चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपसे कोई संपर्क करना चाहे, रब्ता करना चाहे, तो कैसे हो सकता है? कोई ऑफिस या कोई रब्ता नंबर वगैरह? ऑफिस अल्हम्दुलिल्लाह लालगंज में हमारी ऑफिस है दुर्गा प्रेस के पास में जी, इंशाल्लाह तबारक तआला वहाँ हम रब्ता कर सकते हैं, हमसे मुलाकात कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9840952 57 जी, नंबर इंशाल्लाह से रब्ता कर सकते हैं। आप नौजवान है, युवा है, और युवाओं के लिए क्या पैगाम है, क्या संदेश है, तजारत के मैदान में क्या कहना चाहते हैं? तजारत के मैदान में देखिए मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले तो इल्म दीन सीखें, ठीक है, और इल्म दीन इतना सीख लें कि जिससे हम कुछ कर सकें, और तजारत के मामलात में कि तजारत कोशिश करें, मतलब जो उनके दिमाग में हो कि मैं ये करूँगा उसमें मुझे कामयाबी हासिल होगी, कोशिश करें कि वही काम वो करें किसी के भाई। तजारत तो बहुत सारी तजारतें हैं, इंसान बहुत कुछ कर सकता है, बाकी अब जो जिसके दिमाग में दिल में जो तजारत करना है अल्हम्दुलिल्लाह वो कर सकता है। तो ये सीख आपको कहाँ से मिली, जिस कारोबार में आप हैं, जो काम आप देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह इससे हमको जो ना पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव था, बहुत एक्टिविटी थी, पौधों से बहुत मोहब्बत करते थे, और फिर मेरे पास कारोबार इस तरीके से कोई नहीं था, तो मैंने सन 2000 में मैंने लालगंज में एक छोटी सी नर्सरी बनाई थी इको बैंक के सामने, फिर मेरी नर्सरी बनी, इसके बाद नर्सरी से मेरा पहला प्रोजेक्ट तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट हमारा रहा डॉक्टर जहीर साहब अनोरा में जो है, तो एक पहला प्रोजेक्ट वहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ, फिर इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ते बढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजल व करम से चल रहा है। नर्सरी जो आप लगाते हैं तो ये कहाँ से आप लाते हैं, या खुद आप उसको पैदा करते हैं, उसकी पैदावार आपके यहाँ? जी, पैदावार दरअसल क्योंकि इतनी मसरूफियत की वजह से पैदावार तो हम नहीं कर पाते हैं, और पैदावार करने वाले हमारे पास पूरा सिस्टम है हमारा, कुछ हमारे माल जो है पूना से भी आते हैं, कुछ कोलकाता से आते हैं, और इस तरीके से मतलब सारे प्लांट आ जाते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके से हम प्लांट प्रोवाइड कर देते हैं। और प्लांट लगाने के बाद हमारा सबसे बड़ी बात है कि मैं सर्विस देता हूँ, जैसे आपके यहाँ लग गया तो फिर उसकी कटिंग, उसकी कटाई जो भी होती है वो पूरी हम कंप्लीट करते हैं, फिर आपसे हमारी ताल्लुकात हो गया तो मेंटेनेंस हो जाता, महीने का एक पैकेज बन जाता, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैं वो भी अंजाम देता हूँ। ये नहीं कि एक मरतबा लगा कर फिर हम चलेंगे, ऐसा कोई मामला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह उसको अंजाम देते रहते हैं हमेशा के लिए। क्वालिटी क्या होती है? क्वालिटी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट क्वालिटी होती है, क्योंकि वो जब हम किसी का काम करते हैं पिक्चर उनको दिखा देते हैं कि देखिए आपका इस दिन के बाद इतना खूबसूरत बनेगा जो,
तो इंशाल्लाह तबारक तआला उस तरीके से जरूर बनता है जो। और तिजारत में कारोबार में अगर दीन आ जाए, दीनदारी आ जाए, ईमानदारी आ जाए तो उसमें और बरकत हो। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। और देखिए भाई, तिजारत वो तिजारत होनी चाहिए कि जिसके अंदर दीन शामिल होगा वो कामयाब होगा, ठीक है। और दुनिया जो जिसको दुनिया बनाना, तो फिर मेरे भाई फिर वो दुनिया बनाएगा, फिर उसकी आखरत नहीं रह जाएगी। और असल कामयाबी वो है जो दुनिया को ना बना के अपनी आखरत को बनाए, ठीक है। क्योंकि दुनिया तो हमारी हाजत की, दुनिया के अंदर जब तक रहना तो हमारी हाजत है, फिर हमेशा हमेशा तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें जब दुनिया से मौत आ जाएगी दुनिया से, तो हमारी तो ज़िंदगी जन्नत है। तो मेरे भाई, तो दुनिया में जब तक रहना, दुनिया की तैयारी, जब तक आखरत में आखरत की तैयारी, ठीक है। मौलाना, आप तफसील से बताएं, आप नर्सरी लगाने के साथ साथ, चूँकि नर्सरी जब लग जाती है तो मकान की खूबसूरती जो है और पार्क की खूबसूरती बढ़ जाती है, इसके अलावा और क्या क्या कारोबार आप कर रहे हैं? जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे अब कुछ इस समय जो चल रही है, जो सोसाइटी के अंदर स्विमिंग पूल का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, मतलब बड़े हैं तो उसमें स्विमिंग पूल का भी डिज़ाइन होती है, तो उसको हम डिज़ाइन भी करवा के दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास आर्किटेक्ट भी हैं टच में, बहुत आर्किटेक्ट जैसे, उस तरीके से उनके एक डिज़ाइन बना के। और फिर फाउंटेन हो गया, जो फव्वारे झरने होते हैं, उस टाइप का भी हम लोग बना के देते हैं। तो अब क्या होती है, जैसे जिस पार्टी की जो रिक्वायरमेंट होती है, उस तरीके से हम उनको जो प्रोवाइड करवाते हैं जो चीज़ भी, अल्हम्दुलिल्लाह इंटरलॉकिंग का भी मामला आता रहता है, अपने पास इंटरलॉकिंग भी करवा देते हैं, एक ही सारा सिस्टम जो है इंटीरियर से लेके एक्सटीरियर सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह करवा देते हैं हम लोग। आजमगढ़ में नहीं, आजमगढ़ नहीं, और मतलब कहीं पे कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल इंडिया। अभी तो हमारा ग्वालियर में कच्चा चल रहा था प्रोजेक्ट, कोयंसर हॉस्पिटल पे तकरीबन 8-10 फाउंटेन वहाँ पे हमने बनाया। इन अल्लाह के फजल करम से हर जगह चल रहा है धीरे धीरे। कंपनी वगैरह से आप जुड़े हुए हैं या कोई फार्म हाउस वगैरह कैसे करते हैं? दरअसल मैं पहले जो है ना, हमारा जो था, मैं रिलायंस कंपनी में था मुंबई, सन 1995 में था। तो इसके बाद मैं रिलायंस कंपनी में बड़े इंजीनियर के साथ में काम करता था। तो इसके बाद मैं आके यहाँ पे जब नर्सरी किया, फिर इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह धीरे धीरे मैं कामयाबी मिलती रही और स्टेप बाय स्टेप एक एक काम की नॉलेज बढ़ती रही, तो इस तरीके से एक एक हमने काम चालू किया। ये थे मौलाना सदर आलम साहब, जो खबरों नज़र चैनल से बातचीत कर रहे थे। मौलाना सदर आलम साहब और जो नौजवान हैं उनके लिए एक सीख है, उनके लिए एक सबक है, और इनसे आप लोग सबक हासिल करें। ये कारोबार के मैदान में मेहनत कर रहे हैं और जाहिर है कि जो कोई भी मेहनत करेगा तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। कोई भी कारोबार गलत नहीं होता है, कोई भी पेशा जो है गलत नहीं होता है, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। और कारोबार में अगर ईमानदारी आ जाए तो उस कारोबार में और बरकत होती है, और अगर दीन शामिल हो जाए, मजहब शामिल हो जाए, तो उस कारोबार में दीनदारी आती है, बरकत होती है और वो कारोबार तरक्की करता है। आप हमसे बातचीत कर रहे थे खबरों नज़र चैनल के लिए, शमीम जराजपुरी आजम। ताज़ा और तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। खबर और विज्ञापन के लिए संपर्क करें।